देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अच्छी तरह से सीखा। तो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती थी आपकी ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का मान बी से छोटा होता है। अब इसके हम इस पर बेस्ड कुछ प्रश्नों को करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है 135 एवं 225। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारी छोटी संख्या होती है उसे हम मान लेते हैं बी। माना b बराबर 135 और a बराबर 225। अब इसमें छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 135 का भाग देंगे 225 में। देखो एक बार ही जाएगा, पहले तो 135 एकन 135 कितना बचा, 0, और 12 में से 3 गए, 9 बचा। अब क्या करेंगे हम कि इस 90 का 135 में भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 90 एकन 90, फिर आपका बचा 45। अब इस 45 का 90 में भाग देंगे, तो 45 दूनी 90, आपका ये शेष बचा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती थी, क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेंगे a बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है r का मान और b से। अब सबसे पहले स्टेप वन लिखेंगे, स्टेप वन में आपका ये वाला लिख जाएगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 225 बराबर 135 गुणा 90। कैसे लिख जाएगा, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। अब ये 90 आपका 0 तो है नहीं, शेषफल आपका 0 नहीं है। तो अगला स्टेप करेंगे, अब ये वाला स्टेप लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब भी आर का मान आपका 0 नहीं है, तो स्टेप 3 लिखेंगे, अब ये वाला लिख जाएगा लास्ट वाला, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस, यहाँ पे आर का मान आपका 0 हो गया, तो लिख देंगे अतः एस सी एफ ऑफ किस किस का था, 135 कॉमा 225, यानी इसका और इसका मासा कितना हो गया, जिससे लास्ट बार हमने भाग दिया था 45, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है 196 एवं 38 220, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ जो छोटी संख्या कौन सी है, 196
छोटी है 38,220 से, तो माना आपकी यहाँ b बराबर मानी जाएगी 196, यानी छोटी वाली को b मानते हैं और बड़ी वाली को a मानते हैं, तो a हो जाएगा 38,220। अब भाग दे लेंगे 196 का 38,220 में, तो 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 एकन 19। एक बार भाग दे दे रहे हैं 196, आपका कितना बचा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 17 में से 9 गए, 8 बचे और यहाँ 2, 186। अब ऊपर से ये नोट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। अब 19 से कितने बार जाएगा ये, 19 एकन 19 एक बार चला गया और यहाँ पे 196 1862 दो बचा, यहाँ से नोट कर लेंगे नीचे। अब 19 का भाग देंगे इसमें तो 19 नम्मा 171, तो 9 बार चला जाएगा, 9 6 54 हासिल 5 और 9 81 और 5 86 हासिल 8, 9 8 17 आपका बचाइए 8 और यहाँ पे 15 में से 6 गया, 9 बचा और आपका ये हेल्थ, अब 2 बचा, अब कितने बार जाएगा, 6 5 30 5 बार, 5 0 5 6 30 हासिल 3 और 5 9 45 3 48 हासिल 4 और 5 1 5 और 4 9 क्या बचा आपका, आर ज़ीरो हो गया। और जब आर ज़ीरो हो गया इसका मतलब हमने एक ही बार भाग दिया है, तो यहाँ ए बराबर वी क्यू प्लस आर से, जहाँ पे आर का मान आपका बी से छोटा है और ज़ीरो से बड़ा है, तो ये एक ही स्टेप में आ जाएगा। कैसे लिखते हैं, इसके बराबर इसका और इसका गुणा लिखेंगे, तो 38,220 बराबर 196 इंटू 195 और प्लस का 0, आर बराबर यहीं पे 0 हो गया, तो आपका एस सी एफ ऑफ 196,38,220 बराबर आ गया ये वाला 196। चलो अगला क्वेश्चन, 255 और बड़ी वाली है 867, तो छोटी वाली को बी मानेंगे 255 और बड़ी वाली को ए मानते हैं 867। अब भाग दे ले रहे हैं 255 का 867 में भाग देंगे, तो 2 4 8 यानी 3 बार जाएगा, 2 3 6 5 3 15 और दोबारा 5 3 15 और 1 16 हासिल 1 3 2 6 और 1 7 फिर बचा 2 और 0 और ये 1। अब 102 का दोबारा से देंगे 255 में, और जब 255 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 102 3 300 ज़्यादा हो जाएगा, दो बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 204, फिर कितना बचा, 1 बचा और यहाँ पे 5 बचा। अब 51 का देंगे 102 में, तो 51 2 102 आपका शेष कितना आ गया, 0। अब यहाँ से यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती थी, a बराबर वी क्यू प्लस आर और r का मान आपका 0 से बड़ा और b से छोटा होता था, तो स्टेप वन लिखेंगे। स्टेप वन में क्या लिख देंगे, ये वाला पूरा, यानी 867 बराबर 255 गुणा कितने का भाग दिया है, 3 3 बार गया है, प्लस 102 और ये r आपका 0
नहीं आया। स्टेप अगला लिखेंगे फिर, अब ये वाला लिख देंगे 255 वाला। तो 255 बराबर, अब यहाँ से लिखेंगे इसको, तो इसके बराबर ये गुणा ये प्लस ये, 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। और ये भी आपका ये R होता था, तो ये R आपका 0 नहीं आया है। अब स्टेप थर्ड लिखेंगे, तो स्टेप थर्ड में आ जाएगा 102 बराबर 51 गुणा 2 और प्लस का, इसका मतलब हमारा R यहाँ पर 0 आ गया। तो HCF ऑफ किस किस का HCF था आपका, 867 कॉमा 255 बराबर आ गया आपका 51। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, माना सबसे पहले देखेंगे हमारा जो रूप है वो कैसा है। एक तो 6q प्लस 1 है या 6q प्लस 3 है या 6q प्लस 5 है। अगर इसकी a बराबर bq प्लस r से तुलना करें तो आपका b का जो मान है वो q का गुणांक होगा, तो b बराबर 6 होगा। तो यहाँ मान लेंगे, माना b बराबर 6, और जब b बराबर 6 होगा तब r के मान क्या क्या हो सकते हैं आपके, जब b से यानी 6 से भाग दे रहे हैं तो r का मान आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेका से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा। आपको b बराबर 6 रखना है, पहले b का मान कितना था, तो a बराबर हो जाएगा, इसमें रखो a तो यही रहने दो, b का मान कितना रखना है 6, तो b का मान 6 रख दिया प्लस q प्लस r। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। अब इसमें हम r बराबर 0, 1, 2, 3 और 4, 5 रखने पर, अब इसमें r का मान जब पहले 0 रखेंगे, जब मान लो r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, या 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6q। इसका मतलब a बराबर 6q मिला, और जब r बराबर हम इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6q प्लस 1, तो a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 1, और जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 2। ऐसे r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 6q प्लस 3, और जब r बराबर हम 4 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 6q प्लस 4। ऐसे ही आगे r बराबर अगर हम 5 रख दें तो a बराबर मिल जाएगा 6q प्लस 5। तो इस तरह से आपके इतने पूर्णांक मिल गए। अब इन सब में देखो, यहाँ ये कैसा है, 6q है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, एक तो ये सम है, ये कैसा है, यहाँ लिख दो सम, और ये आपका विषम है, ये वाला सम है, ये विषम है और ये वाला भी सम है, बाकी सम, तो इनमें से छांटने,
यहाँ छ क्यू और छ क्यू प्लस दो, छ क्यू प्लस दो और छ क्यू प्लस चार सम है एवं विषम कौन से हैं, छ क्यू प्लस एक, छ क्यू प्लस तीन एवं छ क्यू प्लस पाँच। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, छ क्यू प्लस वन, छ क्यू प्लस तीन और छ क्यू प्लस पाँच के रूप का होता है। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया।